वंदे मातरम साथियों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में राजीव भाई ने ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स, थायराइड, पथरी, नशा, बच्चों को खांसी की एलर्जी और इसके अलावा अन्य कई बीमारियों के सरल उपचार बताए हैं। जो बच्चे बिस्तर पर पेशाब करते हैं उसके लिए भी अचूक उपाय बताया है। साथ ही राजीव भाई ने इस वीडियो में ड्राई फ्रूट्स के बारे में बहुत ही अद्भुत जानकारी दी है। अगर वीडियो में बताई गई किसी भी औषधि के बारे में आपका कोई भी प्रश्न हो तो कृपया वीडियो का टाइम लिखकर आप हमें कमेंट कीजिए, आपको उसका उत्तर कमेंट के माध्यम से दे दिया जाएगा। तो बिना देरी किए हुए आइए सुनते हैं श्री राजीव भाई को। शुगर खाना नहीं खाना, चीनी बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि यही अकेली चीज है जो पचती नहीं आसानी से, बाकी चीनी छोड़कर कुछ भी खाए। पथरी अगर है शरीर में और थायराइड का सबसे अच्छा उपाय है धनिया पत्ता, है ना, धनिया पत्ता, इसकी चटनी, धनिया पत्ते की चटनी बनाइए, पानी में मिला के पी जाइए, पानी गुनगुना रहे। कितनी चटनी? एक चम्मच चटनी, उसमें कुछ डालिए मत, नमक मिर्ची कुछ मसाला नहीं, खाली धनिया पत्ते की चटनी। और जब तक धनिया मिल रहा है तो ये हरे पत्ते की चटनी, धनिया मिलना बंद हो जाए तो सूखा धनिया। ये धनिया जो है ना थायराइड की सबसे अच्छी दवा मानी जाती है। पथरी जिसको भी है वो चूना कभी ना खाएं, ये याद रख, कहीं भी शरीर में पथरी है तो चूना कभी ना खाएं। तो फिर क्या खाएं? एक दवा है पत्थर तोड़ दवा, क्या बोलते हैं आप उसको, पाखंड भेद, शोभा कांजी के यहां वो दवा है पाखंड भेद, कहीं भी मिल जाएगा। तो आप इसका काढ़ा बना के पिए, ये जो पाखंड भेद है ना इसका काढ़ा पानी में डाल के उबाल के, और ये दवा आसानी से होम्योपैथी में उपलब्ध है, और इसी दवा का होम्योपैथिक नाम है बर्बेरिस, बर्बेरिस वल्गेरिस, पाखंड भेद का बोटनिकल नाम है बर्बेरिस वल्गेरिस। ये किसी भी होम्योपैथी की दुकान में मिलेगा, वो पूछेगा कैसे दूं तो कहना मदर टिंचर में दो। ये कोई भी घर में रखिए आप, बिल्कुल निसंकोच इस्तेमाल करते हैं, साइड इफेक्ट कुछ नहीं है इस दवा का। बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर ऐसा बोलिए। तो ये हल्के गुलाबी रंग की होगी, डार्क कलर की भी हो सकती है, इसकी 10-10 बूंदे चौथाई कप पानी में डालकर दिन में 3-4 बार पिलाएं, एक महीने सवा महीने में सारी पथरी टूटकर निकल जाएगी। और नहीं तो पाखंड भेद जो दवा मिले आयुर्वेद की उसका काढ़ा बना के 15-20 दिन ले लें, काढ़ा जल्दी तोड़ता है पत्थर को, बर्बेरिस को समय ज्यादा लगता है। पानी में चूना मिला के पी सकते हैं, जरूर पीजिए, पथरी वाले नहीं। दांतों का दर्द, दांतों के दर्द की सबसे अच्छी दवा है लौंग, लौंग इस्तेमाल करिए, लौंग का तेल इस्तेमाल करिए, और दांतों में दर्द हो ही नहीं तो थोड़ा थोड़ा चूना खाते रहिए, और दांतों में दर्द हो ही नहीं तो दातुन करते रहिए, दंत मंजन करते रहिए, पेस्ट बंद कर दीजिए। हाँ, अभी एक जरूरी प्रश्न आया, शराब और गुटखा छोड़ने के लिए क्या करें? जरूर आप इसको ध्यान से नोट कर लीजिए, ये बहुत लोगों के काम, शराब, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट और बीड़ी, ये 5 बुराइयां व्यसन के रूप में हमारे घरों में आई हैं और देश का सर्वनाश किया है। इनके बचने के लिए बहुत अच्छा है संकल्प शक्ति से बचें तो अच्छा है। भागवत जी कहते हैं किसी भी व्यसन से बाहर आना हो तो संकल्प शक्ति के साथ आइए तो अच्छा है, नहीं है संकल्प शक्ति तो दवा का उपयोग करें। तो क्या दवाएं हैं आपके पास? सबसे अच्छी दवा है शुद्ध गाय का मूत्र, अर्क नहीं, शुद्ध गाय का मूत्र। दूसरी दवा आपके घर में है अदरक या सौंठ, जिनको शराब से छुड़ाना है, बाहर निकालना है, उनको और सौंठ ज्यादा खिलवाइए, रस पिलवाइए अदरक का, सौंठ का काढ़ा बना के दीजिए, गुड़ मिला के दे सकते हैं सौंठ का काढ़ा बना के, और गोमूत्र पीने को बोलिए। नियमित रूप से अगर आधा कप भी गोमूत्र पिया तो सवा महीने में छूट जाती है। शराब जो पीते हैं, बीड़ी सिगरेट जो पीते हैं, उनके शरीर में एक केमिकल बढ़ जाता है, उसका नाम है सल्फर, और सल्फर को कम करने के लिए सल्फर ही चाहिए। आयुर्वेद में कहा है ना कि विष को विष मारता है, तो सल्फर बढ़ता है,
तो सल्फर कम करने के लिए बाहर से सल्फर चाहिए और बाहर का सबसे अच्छा सल्फर गोमूत्र में है। सर्दी जुकाम, सर्दी जुकाम ज्यादा है, बार बार है, सबसे अच्छी दवा है आप अगर बच्चों के लिए ले रहे हैं तो कफ दूर करना है उनका, कफ नाशक सबसे अच्छी दवा मैंने पहले दिन बताई थी शहद है, दूसरी शहद नहीं लेते तो गुड़ है, तो बच्चों को गुड़ दीजिए ज्यादा। एक उनको चूना भी दे सकते हैं, चूना कफ का भी नाश करता है, वात का तो करता ही है कफ का भी करता, तो चूना दे सकते हैं, गाय का घी नाक में डाल सकते हैं, हल्दी जबरदस्त कफ नाशक है तो दूध में हल्दी मिलाकर दीजिए, और दूध हल्दी थोड़ा घी मिलाएं तो और भी अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो जिनको सर्दी जुकाम बार बार होते हैं उसके लिए, पित्त बढ़ा है तो क्या करें, देशी गाय का घी खाइए, देशी गाय का घी गरम गरम पानी में डालकर पिए तो सब पित्त को शांत करेगा। और दूसरी चीज मैंने पहले बता दी है, अजवाइन और काला नमक, ये भी पित्त बढ़े तो शांत करेगा उसको। एक मेरे पास डिफिकल्ट केस है, ये मुझे व्यक्तिगत रूप से मिले, कोई एक महिला है उसकी लंबाई लगातार बढ़ रही है, ये मुझे शाम को मिले 4 बजे, बाल उड़ गए तो क्या करें, बाल कम हो गए तो क्या करें, बाल झड़ रहे हैं तो क्या करें, तीनों में एक उपाय है, दही को तांबे के बर्तन में रखें, 5-6 दिन खूब खट्टा हो जाए, हरा हरा हो जाए तो इसको बालों में मालिश करें, 1 घंटे के बाद बालों को शीका काई से धोएं, हफ्ते में 1 दिन जरूर करें। त्रिफला शहद और गुड़ के साथ, सबसे अच्छा है गुड़ के साथ सुबह खाएं, और दूसरा चाहे तो शहद के साथ भी खाएं। त्रिफला को औषधीय के रूप में लेना है, औषधि ऐसी जो धातु वर्धक है तो सुबह ही खाएं, और त्रिफला को रेचक के रूप में लेना है माने पेट साफ करें तो रात को ही खाएं सोने के पहले। बहुत ज्यादा छींके आती है, नाक से पानी गिरता है, थोड़े दिन चूना खिलाएं और गाय का घी नाक में डालें, 15-20 दिन में छींके भी बंद होंगी, पानी गिरना भी बंद। केवड़ा डालकर जल पी सकते हैं क्या गर्मियों में? केवड़ा एक होता है ना आयुर्वेदिक औषधि, केवड़ा डाला हुआ जल सिर्फ गर्मियों में, मार्च अप्रैल मई जून बारिश जैसे ही शुरू हो केवड़ा वाला जल बंद कर दीजिए। केवड़ा और एक होता है खस, ये दोनों मिलाया हुआ जल गर्मियों में। अर्जुन की छाल लेने का समय सवेरे का, काढ़ा बनाकर दूध में नहीं तो पानी में, शक्कर नहीं मिलाएं उसमें, गुड़ मिलाएं अर्जुन की छाल। टॉन्सिलाइटिस की रेमेडी, टॉन्सिल्स की सबसे अच्छी रेमेडी हल्दी, हल्दी का दूध बच्चों को रात को पिलाएं, टॉन्सिल नहीं होगा। पिपरमेंट के बारे में किसी ने पूछा है, आप शाम को 4 बजे मिले, मैं थोड़ा विस्तार से बता दूं। यूरिक एसिड अगर शरीर में जमा है तो मैंने आपसे बार बार कहा है क्षारीय चीजें ज्यादा खाएं, एसिड निकल जाए, सबसे अच्छी क्षारीय चीज गोमूत्र पी लें, यूरिक एसिड एकदम साफ कर देता है गोमूत्र, लेकिन प्योर गोमूत्र। उड़द की दाल दालों का राजा है, बिल्कुल सही है, लेकिन दही के साथ नहीं, खाली उड़द की दाल खाइए दालों का राजा है, बिल्कुल सही बात है, दही के साथ नहीं, दही के साथ ये जहर है। सुबह दूध पी सकते हैं, मैंने मना किया है, सुबह जूस पीना है, दोपहर को छाछ और रात को दूध, लेकिन पीना ही है अगर तो आंवले के साथ पिए, ना पिए तो अच्छा, सुबह का दूध ही पीना है तो आंवले के साथ। मोटापा कम करने के लिए उपाय बता दीजिए, आप लिख लीजिए इसको नहीं तो याद कर लें। जिनको भी मोटापा कम करना है उनको क्षारीय चीजें ज्यादा खानी है, तो मैंने आपसे कहा गाजर खाइए, गाजर नहीं खा सकते दूध ही खाइए। अब खाएं कैसे? गाजर को कद्दूकस में घिसिए और उसके लच्छे बनेंगे। फिर थोड़ी एक और क्षारीय चीज आपको आजकल उपलब्ध है, सेब, सेब पूरा क्षारीय होता है, तो सेब को कद्दूकस में घिसिए, दोनों बराबर मात्रा में मिला के सुबह पेट भर के खा लीजिए, 3 महीने लगातार खाए, फिर अगले 3 महीने इसको बैलेंस करने के लिए आंवला खा लीजिए, आंवला 2-3 आंवला रोज मुरब्बे के रूप में, या कह फिर 3 महीने आंवला हुआ फिर वापस इस गाजर और इस पे आ जाइए, तो साल भर अगर आप करेंगे तो बहुत आराम से 1/3 वजन तो आपका घट ही जाएगा, हो सकता है किसी का आधा भी हो जाए। ह्यूमन यूरिन के बारे में आपने पूछा, मैंने पहले ही बताया अगर आप शाकाहारी हैं तो अपने मूत्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गोमूत्र उससे हमेशा बेहतर है।
बच्चे पेशाब करते हैं बिस्तर में, इसके लिए क्या करना? खजूर खिलाइए। खजूर छोटे छोटे टुकड़े काटकर बच्चों को, खजूर दूध में डालकर छोटे छोटे टुकड़े दूध में डालकर उबालिए, खूब उबल जाए, फिर वो दूध पिलाइए, खजूर खिलाइए, तो रात का बिस्तर का पेशाब उनका बंद हो जाए। वो एक प्रश्न है, वो कब्जियत से जुड़ा हुआ है। वो ये कहते हैं कि जल्दी से संडास उतरती नहीं है, क्या करें? रात को त्रिफला चूर्ण खा के सो जाइए, नहीं तो दूध में घी मिलाकर पी लीजिए, ये सबसे अच्छा है। दूध में घी मिला के रात को सोने से पहले पिए तो सवेरे संडास बहुत आसानी से उतरती है और सबसे कम समय में पेट साफ होता है। नहीं तो त्रिफला भी ले सकते 3 महीने। देखिए, एक नियम हमेशा याद रखिए जो मैं बार बार कह, लगातार कोई भी दवा आयुर्वेद की 3 महीने से ज्यादा मत खाइए, और अगर जरूरत पड़ रही है तो थोड़े दिन ब्रेक दे दीजिए, 15 दिन का, 10 दिन का, 20 दिन का ब्रेक के बाद फिर अगले 3 महीने ले सकते हैं, फिर ब्रेक दे दीजिए फिर। ये नियम बहुत जरूरी है, नहीं तो तकलीफ बहुत दूसरी भी हो सकती। पीठ की हड्डी में दर्द है, चूना चूना खाइए। बच्चों को खांसी की एलर्जी अगर है तो नियमित रूप से मैंने कहा ना, ऐसी चीजें दीजिए, कफ नाशक है, सोंठ है, पान का पत्ता है, शहद है, गुड़ है, ये सभी कफ नाशक है। कितनी उम्र के बच्चों को त्रिफला दिया जा सकता है? अगर छोटे बच्चे हैं तो त्रिफला ना देकर आंवला दीजिए, और त्रिफला देने का समय अगर शुरू कर रहे हैं बच्चों को तो थोड़ा 3-4 साल हो जाने दीजिए उनका, 3-4 साल के पहले दे सकते हैं तो आंवला दीजिए। और वैसे तो मेरा कहना है 14 साल की बच्चों को आंवला ही अच्छा है, त्रिफला उनको ना ही दें, त्रिफला एक उम्र के बाद ही सबसे अच्छा होता है। बहुत अधिक उम्र में घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, तरीका मैंने वही बताया, चूना सबसे अच्छा है। अधिक उम्र में चूना सबसे अच्छा अर्थराइटिस के लिए, घुटनों के दर्द, एड़ी का दर्द और कोहनी का दर्द तो ऐसे ही मिट जाएगा जब पानी घूट घूट पीने लगे। जल्दी भूल जाए, स्मरण शक्ति कम हो, गाय का घी नाक में डालना सोते समय, नींद जल्दी ना आए तो क्या करना, गाय का घी नाक में डाल के सोना। हाँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न आया, वो पहले दिन का जो मेरा व्याख्यान था कि फ्रिज का क्या करें, तो मैंने तो बोला था कि ये बंद कर दें। अगर आपका दिल नहीं मानता बंद करने के लिए, क्योंकि मैंने कहा ना, हिंदुस्तानियों में एक बुरी आदत है कचरे को इकट्ठा करने की, घर में डिब्बे डिब्बे इतने इकट्ठे रहते हैं, तू पड़े रहते हैं, फेंकते नहीं, हमें हमेशा ये सोचते कभी काम आएंगे, कभी काम आएंगे, तो ये चक्कर घुस गया। अब पता नहीं ये अंग्रेजों के समय से आया या पुराना, तो फ्रिज भी वैसी ही कोई चीज है। तो एक बहन ने या किसी ने सवाल ये लिख के भेजा है कि फ्रिज में से हमने सब्जी निकाल के 48 मिनट रख दी तो अब उपयोग कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। उसको शायद ये बात अच्छे से समझ में आई, वो 48 मिनट का जो किस्सा मैंने बताया ना, तो वो चाहती नहीं है कि फ्रिज घर के बाहर जाए, किसी तरह इसका उपयोग होता रहे। तो ये मजबूरी का खेल है, लेकिन कर लीजिए कि आप कुछ भी जो रखा है फ्रिज में, अगर उसको पकाना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, तो निकाल के 48 मिनट रख दीजिए, फिर उसका उपयोग कर लीजिए सब्जी के रूप में। नहीं तो एक चीज मत करिए कभी भी, कोई भी चीज एक बार गर्म करके आपने फ्रिज में तो दोबारा गर्म मत करिए, वो दूध हो या सब्जी हो या दाल, करिए ही मत। क्या करना, निकाल के रख दीजिए, 48-50 मिनट रखी रहे, वो अपने आप थोड़ी गर्म हो जाएगी प्रकृति की गर्मी से, फिर वही खा लीजिए। गर्म तो दोबारा बिल्कुल मत करिए, फ्रिज के दूध को दोबारा गर्म कभी मत करिए, फ्रिज की दाल को दोबारा गर्म कभी मत करिए, फ्रिज की सब्जियों को दोबारा गर्म मत करिए। चटनी भी फ्रिज में से निकाल के रख के खाइए, दही भी फ्रिज में, दही रख देते हैं 48 मिनट रखा रहने दीजिए, फिर आप उसका उपयोग करिए, तुरंत निकाल के और छाछ बना के वो बिल्कुल मत करिए। मेवा खाना चाहिए कि नहीं? सूखा मेवा जरूर खाइए, ड्राई फ्रूट्स आप जरूर खाइए, लेकिन जो ड्राई फ्रूट्स आपके लिए अनुकूल हैं, आप जहां रहते हैं वहां के हिसाब से मैं कह रहा हूं, सबसे अच्छा बादाम आपके अनुकूल है, आपके अनुकूल काजू नहीं है, बादाम बहुत अनुकूल है मद्रास में रहने वालों को, काजू अनुकूल है जम्मू कश्मीर में रहने वाले, तो बादाम भरपूर रखते हैं। और जो दूसरी चीज अनुकूल है, मुनक्का, किशमिश, किशमिश और मुनक्के में थोड़ा अंतर है, बड़ी किशमिश को मुनक्का, तो मुनक्का और किशमिश ये आपके बहुत अनुकूल है, बादाम आपके बहुत अनुकूल है, मखाना, मखाना 50-50 है, ज्यादा अनुकूल तो बिहार
उत्तर प्रदेश वालों को है और थोड़ा चले तो झारखंड वालों को, आपके लिए 50-50, ना बहुत प्रतिकूल है ना बहुत अनुकूल है, बीच का है। और बाकी जो अखरोट वगैरह है ये आपके अनुकूल नहीं, अखरोट खाना चाहिए हमेशा ठंड में रहने वाले लोगों को, आपके लिए अखरोट बिल्कुल अनुकूल नहीं। और ड्राई फ्रूट्स क्या खाते हैं आप? चिरौंजी, चिरौंजी क्या कहते हैं उसको, जो चिरौंजी है वो आपके लिए अनुकूल है, चेन्नई के आसपास के लोगों के लिए अनुकूल है, वो आप खा सकते हैं। और ड्राई फ्रूट शायद इसके आगे हैं, हाँ केसर, केसर अगर आप खाएं, वैसे तो औषधि है ड्राई फ्रूट नहीं, लेकिन ये 3 महीने के आगे नहीं खा सकते, नवंबर दिसंबर जनवरी, और दूध में मिला के मिश्री, पिस्ता, पिस्ता 50-50 है। अंजीर बहुत अनुकूल है सिर्फ एक ही किस्म के लोगों के लिए, इसको मैं आपको कहता हूं, जरा ध्यान से सुनो, जिनको शरीर में शक्ति की कमी लगती है, शक्ति की कमी लगती है, ताकत कम है, शक्ति कम है, उनके लिए अंजीर बहुत फायदे की है, लेकिन जिनको पहले से ही ताकत है वो ना खाएं। चेंदारू क्या होता है? एप्रिकॉट, हाँ एप्रिकॉट आपके लिए ठीक है, आप खा सकते हैं एप्रिकॉट। एक सुझाव है, प्रश्न नहीं है, और वो सुझाव मुझे स्वीकार है, वो ये कहते हैं कि आप चले गए उसके बाद क्या, तो उसके बाद ये व्यवस्था या अभियान या ये बातें या ये ज्ञान सतत निरंतर चलता रहे, इसके लिए आपकी मेरी एक छोटी सी कोई एक एडजस्टमेंट हो जाए तो बहुत अच्छा। मैं ये चाहता हूं कि जो कुछ मैंने सीखा वो आप सीख लो, हाँ, और बाबूजी बोलेंगे, वैसे मेरा ऐसा कहना है जो मैंने सीखा वो आप सीख लो, उतना ही सीख लो जितना मेरे पास है, फिर आप उससे आगे भी सीख सकते हैं और ये दूसरों को सिखाते जाएं, तो नियमित रूप से ऐसी व्यवस्था अगर आप सब मिलके करें मुझे स्वीकारें। सुबह का पानी तांबे के बर्तन का पी सकते हैं जिनको कब्जियत की बहुत तकलीफ है, लेकिन शरीर में तांबा ज्यादा हो तो वो नहीं पिए, लेकिन सबसे अच्छा जो सम पानी माना जाता है उसमें आपको कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा, सादा बर्तन का माने वो पीतल के उसमें रखा हुआ या कांसे के उसमें रखा हुआ, नहीं तो स्टील में रखा हुआ, गर्मी के दिनों में घड़े का, मिट्टी का घड़े, तांबे का पानी पी सकते हैं, हाँ क्योंकि कुचालक है ना लकड़ी, और तांबा बहुत ज्यादा सुचालक है, एक होता है कंडक्टर और एक बैड कंडक्टर, तांबा सबसे बड़ा कंडक्टर है और लकड़ी सबसे बड़ा बैड कंडक्टर है, तो ये अगर आपने तांबा पिया माने तो अर्थ के साथ जो कांटेक्ट है ना नंगे पांव, तो वो खत्म करेगा आपको, इसलिए पांव में चप्पल रहे, लकड़ी के पट्टे पे खड़े रहे, प्लास्टिक की चप्पल पहन के हो, रबर की चप्पल पहन के हो, तभी तांबे के बर्तन का पानी पीना है। केन वाटर, बहुत लोग आजकल केन वाटर पी रहे हैं, ऐसा प्रश्न आया, तो ये क्या अच्छा है? बिल्कुल अच्छा नहीं, तो आप बोले फिर क्या करें, आपके घर जो पानी आ रहा है टैप वाटर, इसको खूब अच्छे से उबाल लें, उबाल कर इसको रख लें, फिर उसी को पिए, ये केन वाटर से 1000 गुना अच्छा है। केन वाटर पता है क्या है, ये पानी को शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग करते हैं उसकी, उस ब्लीचिंग में क्लोरीन इस्तेमाल होता है, फ्लोरीन इस्तेमाल होता है, और वो फिर शरीर में जाए तो बहुत खराब है, और केन वाटर का टेस्ट सादा पानी से बिल्कुल अलग होता है, तो केन वाटर से 1000 गुना अच्छा है टैप वाटर, लेकिन उबाल कर रखा गया। हाँ एक सवाल आ गया है जो अब तक किसी ने नहीं पूछा, शायद आपको पूछने के लिए मन में तो होगा लेकिन आपने क्यों नहीं पूछा, महिलाओं से संबंधित ये सवाल है मेंसेस पीरियड का, दो सवाल आए हैं, एक तो ये है कि वाइट डिस्चार्ज बहुत हो तो क्या करें, तो इसके लिए आप ऐसा करिए एक आयुर्वेद की दवा इस्तेमाल करिए, उसका नाम है शतावरी, शतावरी कहीं भी मिलती है आयुर्वेद की दुकान, शतावरी चूर्ण के रूप में ले लीजिए, इस शतावरी चूर्ण को दूध में मिला लीजिए और रात को जरूर पीजिए, दूध हल्का गर्म रहे, और शतावरी डाल के दूध उबाल भी सकते हैं, फटता नहीं, शतावरी, जिनको भी वाइट डिस्चार्ज की समस्या है शतावरी। और दूसरी कि जब भी मेंसेस पीरियड आता है, बहुत दर्द होता है, तकलीफ होती है, इचिंग बहुत होती है, तरह तरह की खुजलियां होती है शरीर में, गुस्सा बहुत आता है, चिड़चिड़ापन वगैरह वगैरह, तो आपका जब भी मेंसेस पीरियड होता है
तो आपके शरीर में वायु बहुत बढ़ी हुई है, पित्त भी थोड़ा बढ़ा हुआ रहता है। इसका बहुत आसान उपाय मैं बता देता हूं, भागवत जी का है, मेरा नहीं। वो ये कहते हैं कि मेंसेस पीरियड में सब कुछ ठीक रहे, समय से आए समय से जाए, ज्यादा रक्त ना निकले और कम भी ना हो, इस सब चीज ठीक रखे के लिए गरम गरम पानी में, जो इतना गरम हो जैसे चाय होती है, घी मिला के पिए। गरम गरम पानी में, खूब गरम पानी में, गाय का घी आपके घर है तो बहुत अच्छा, नहीं तो कोई भैंस का भी चलेगा, एक चम्मच मिलाएं, आधा गिलास खूब गरम पानी खोलता हुआ घी मिला दें, थोड़ा पीने लायक हो जाए उतनी देर रखें, फिर उसको चुस्कियां ले लेकर पिए। अगर आपका मासिक 5 दिन चलता है, 4 दिन चलता, 3 दिन, दिन से मतलब नहीं, जितने दिन चलते उतने दिन, कितनी बार पी सकते हैं, दिन में 2 या 3 बार पी सकते हैं। तो अगर आपने ये शुरू किया तो सब कुछ आपका नॉर्मल हो जाएगा, सब कुछ। मेनोरेजिया है तो ठीक होगा, मेट्रोरेजिया तो ठीक होगा, सब सब ठीक हो जाएगा। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, आप सब समझदार हैं, हर चीज आपकी दुरुस्त और तंदुरुस्त रहेगी। डिस्चार्ज वाइट है तो शतावरी लेना है, और पानी में घी मिला के किसी भी दूसरी प्रॉब्लम के लिए मेंस पीरियड, ये घी पानी मेंसेस पीरियड में ही पिए, इसको ध्यान से सुने। मेवा से वेट बढ़ता है, काजू को छोड़कर किसी भी मेवा से वेट नहीं बढ़ता, काजू ही है जो वजन बढ़ाता है, बाकी कोई भी सूखा मेवा वजन नहीं बढ़ाता। मुंह से बदबू आती है तो समझ लो पेट साफ नहीं है, तो रात को त्रिफला खा के सो, नहीं तो दूध और घी मिला के पियो, सुबह उठते ही पानी पी लो, मुंह की बदबू बंद। हाथ पैर सुन्न हो जाते, मतलब चूना खाते रहिए। हाँ, अब ये एक सवाल ऐसा है कि चूने से जीभ फट जाती है, तो आप चूना अगर सीधे जीभ पे खाएंगे तो फटेगी, पानी में डालकर खाएंगे कभी जीभ नहीं फटेगी, दही में डालकर खाएंगे नहीं फटेगी, मट्ठे में पिएंगे तो नहीं फटेगी, जीभ पर चाटेंगे चूना तो जरूर जीभ फटेगी। टीबी पेशेंट है, ट्यूबरकुलोसिस, तो आप जरूर उनको गोमूत्र पिलाइए। अगर खाली गोमूत्र, शुद्ध गोमूत्र, अर्क नहीं, खाली गोमूत्र आपने पिला दिया तो 3 से 4 महीने में टीबी जड़ से ठीक होती। दही में या तो छाछ में या तो पानी में, नहीं तो पान में, चूना ये पान में जो खाते हैं वही। आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम।